उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के बारे में बात करें, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को जारी कर देंगे। ये नई नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी, यानी ये नई नीति 2021 से लेकर 2030 तक के लिए होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हों और इससे पहले ये बड़ा ऐलान आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा बढ़ा सकता है। इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि यूपी की नई जनसंख्या नीति के बहाने हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है वो चरम पर होगी। हम अपनी रिपोर्ट आपको इस जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर आधारित इस रिपोर्ट को अब बताने जा रहे हैं। हर तरफ भीड़ ही भीड़। पिछले न जाने कितने दशकों से हिंदुस्तानियों का पूरा जीवन लाइन में लगे लगे ही कट जाता है। हर चीज की लाइन है, राशन की दुकान में लाइन, अस्पताल में लाइन, शॉपिंग मॉल में लाइन, लाइसेंस बनवाने की लाइन, कोरोना की वैक्सीन के लिए लाइन और भगवान के दर्शनों के लिए भी लाइन। बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, सड़क पर भीड़, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़। 139 करोड़, यह है भारत की कुल जनसंख्या। और अगर आप देखेंगे तो भारत की ढेर सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये विशाल जनसंख्या ही है। इसीलिए कभी न कभी तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा और बहुत जल्द इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को वेबसाइट में डालकर लोगों से 19 जुलाई से पहले सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद विधि आयोग की तरफ से इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाएगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में क्या है। दो बच्चों की नीति अपनाने वालों को सुविधाएं दी जाएंगी। नई जनसंख्या नीति अपनाने वाले सरकारी सेवक को 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरणों के फ्लैट आवंटन में वरीयता मिलेगी। बीपीएल परिवार को एक बच्चे के बाद नसबंदी करवाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। एमबीबीएस और बीटेक में बच्चों को वरीयता दी जाएगी। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न है वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं, इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उस पर सांप्रदायिक होने के सवाल भी उठते हैं। हमने इस नई नीति पर उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की, जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप दो बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो दो बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी परिवार के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा? क्या उनके परिवार को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी? इसका जवाब राज्य विधि आयोग के चेयरमैन दे रहे हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं
तो स्वतंत्र हैं, दो बच्चे करें, पांच करें, दस करें, बीस करें, ऐसी ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड चार यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड चार यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट अभी अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है और 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार को तय करना है कि उसे इन प्रावधानों को लागू करना है या इसमें कुछ बदलाव करने हैं। देखिए, जनसंख्या कानून के साथ आज एक देश एक कानून का मुद्दा उठ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सही समय आ गया है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई और सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों हो और जो इसका विरोध करते हैं उनका तर्क क्या है। एक देश एक कानून, यानी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में खूब हो हल्ला मचता आया है, एक बार फिर उसी समान नागरिक संहिता का मामला देश में फिर उछल गया है। लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। तलाक के एक मामले में सुनवाई के बाद फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के उस फैसले का भी जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को करीबन 3 दशक का वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक उस ओर क्या कार्रवाई हुई किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आधुनिक भारतीय समाज में धर्म, समुदाय और जाति की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। अलग अलग समुदाय, जाति और धर्म के युवा आपस में शादी कर रहे हैं। ऐसे में कई बार शादी और तलाक के मामलों में भी दिक्कत आ रही है। युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है। कोर्ट का यह फैसला एक तलाक के मामले में आया। इस मामले में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति की है, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी ने मांग की कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने पत्नी की इसी दलील के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे हाईकोर्ट ने सही माना है और निचली और इसीलिए ये बहस आगे तक जाने वाली है। सवाल ये है कि जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता है। ABP News आपको रखे आगे।